अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरीम शहजाद का सलाम हो। आज की जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है बिहारी कबाब। बिहारी कबाब जो कि बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं, इसको हम घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं, तो चले आज ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 किलो के बराबर बीफ था जो हमने लिया था बोनलेस, साथ ही यहाँ पर इसको हमने मसाला लगा के रख दिया था। तकरीबन 6 से 8 घंटे आप लगा सकती हैं, जितना भी आपके पास टाइम है, क्योंकि जितना मसाला इसके अंदर टाइम लगा रहे का उतने ही बिहारी कबाब जो हैं बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। हमने इसको ओवरनाइट लगा के रखा था। यहाँ पर जो जो चीज़ें इसमें गई थी ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल जो था ये हमने इसमें डाला था तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर, साथ ही 1 प्याली हमने योगर्ट ली थी। खशखश जो थी ये हमने ग्राइंड करके 2 टेबलस्पून इसमें डाली थी। नमक टू टेस्ट था। लाल मिर्च पाउडर जो थी वो 2 टेबलस्पून थी। गरम मसाला जो था ये भी 2 टेबलस्पून हमने लिया था। लहसुन और अदरक की पेस्ट जो थी ये भी 2 2 टेबलस्पून थी। प्याज जो थी ये भी हमारे पास आधी प्याली थी, जो रोस्टेड प्याज है ये भी हमारे पास आधी प्याली थी। इन सब चीज़ों को लेकर हमने इसमें जो मीट था इस पर हमने लगा लिया था और इसको हमने ओवरनाइट रख दिया था। साथ ही अगर आप इनको ग्रिल करना चाहते हैं तो आपने देखें इस तरह करके ये लगाना है सीखों पर और अपनी ग्रिल पे आपने इसको रख देना है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल करके आपने जो ऑयल है वो इस पर लगाते जाना है जब तक कि ये तैयार नहीं होते। तो चलें हम यहाँ पर कुकर में बनाएंगे ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कम टाइम में कुकर में हम इसको तैयार करते हैं। अब यहाँ पर देखें कुकर में हमने बिल्कुल थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल जो था ये हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद जो बिहारी कबाब जो हमने तैयार किए थे ये हम इसमें डाल के टाइम लगा के हम इसको रख देंगे ताकि बिहारी कबाब हमारे तैयार हो जाए। हमने कुकर लिया, आप इसको देचकी में पैन में जिस तरह भी आप इसको तैयार करना चाहें, ग्रिल में ये बहुत अच्छे तैयार होते हैं। अब यहाँ पर हम कुकर को बंद करेंगे क्योंकि हमने इसमें बिहारी कबाब जो हमने डाल लिए थे। यहाँ पर बिहारी कबाबों की एक बात बताती चलूँ कि यहाँ इसमें मस्टर्ड ऑयल जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसका टेस्ट जो है वो आता है। तो आपने भी इसमें जो मस्टर्ड ऑयल है यही आपने इसमें इस्तेमाल करना है बिहारी कबाब में। अब यहाँ पर कुकर जो था हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखें बिहारी कबाब जो थे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। रेसिपी बहुत ही आसान थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे आखिर में हमने इसमें कोयले का धुआं दिया था ताकि इस पर बारबेक्यू टच आ जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, टेस्ट में बहुत ही अच्छी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे पेज को शेयर कीजिए, यूट्यूब पर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।